ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। बिहार के इकलौते मानसिक अस्पताल का हाल जानने के लिए भाकपा माले विधायक मनोज मंजिल कोइलर पहुंचे। मानसिक अस्पताल के अधीक्षक सह अपर निरीक्षक मौके पर मौजूद नहीं थे। विधायक द्वारा निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 30 चिकित्सकों के बजाय 7 चिकित्सक ही पदस्थापित हैं, साथ ही 50 नर्स की जगह पर सिर्फ एक नर्स कार्यरत है। संविदा पर नर्स रखकर कार्य किया जा रहा है। 48 अटेंडेंट का भी सीट खाली नजर आया। इलाज के लिए आए मरीजों को बाहर से दवा लेना मजबूरी है। पिछले 6 माह से सरकार ने दवा मुहैया नहीं कराया। सबसे बड़ी बात तो ये रहा कि इस अस्पताल में एक भी एम्बुलेंस नहीं है। निरीक्षण किया क्या? मानसिक आरोग्य शाला कुलवर का मैं निरीक्षण करने आया था। भाकपा माले के यहाँ टीम थी, टीम के साथ हम लोग देखे कि यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है। 30 डॉक्टर की वृद्ध है, 7 डॉक्टर हैं, वो भी स्थायी नियुक्ति नहीं है। कोई डिप्टेशन पर है, कोई संविदा पर है, और यहाँ पे 50 नर्स का पोस्ट है, एक भी नर्स नहीं है। मेल नर्स नहीं है, फीमेल नर्स नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 100% यहाँ पे मेडिकल स्टाफ की कमी है और 90% डॉक्टर की कमी है। और पिछले 4 महीने से एक भी दवा अस्पताल में नहीं है। और यहाँ 7-8 साल पहले 2 पुरुष वार्ड 1 महिला वार्ड बना था करोड़ों रुपए की लागत से, और बनते ही ध्वस्त हो चुका है। हम लोग निरीक्षण किए, सारा ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पे मरीज भर्ती हैं 45 मरीज मेल और 31 मरीज यहाँ महिला मरीज भर्ती हैं। उन लोगों को महीनों से दूध बंद है, अंडा बंद है। पौष्टिक जो मरीजों के लिए भोजन होता है, जो उनका मेनू है, उस मेनू के अनुसार खाना नहीं मिलता है। तो एक तरफ डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, इलाज नहीं है, सुविधाएं नहीं है, और दूसरी तरफ लूट है, भ्रष्टाचार है। और इसलिए हम लोग निरीक्षण करने आए थे, और इस सवाल पे हम लोग सड़क पे आवाज उठाएंगे। और आने वाला जो सत्र है, मानसून सत्र 26 जुलाई से चलने वाला है, वो हम लोग हाउस के अंदर भी, असेंबली के अंदर भी हम लोग ये क्वेश्चन उठाने का काम करेंगे। कहाँ कमियां पाई जा रही हैं? नहीं, हम डॉक्टर का आप कुछ नहीं हम आए, हमको घर पड़े हुए हैं, मेडिकल में से दवाई लेके खिलाते हैं। कौन गांव से हैं? पड़े हुए हैं, फूल गाँव पट्टी से। कोई दवा नहीं मिल रहा है। मरीज का क्या नाम है आपका? दयानंद। आपके मरीज का क्या नाम है?